हेलो एवरीवन सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर पूरी स्टडी करने वाले एक एडवांस स्टडी होगी आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास होगी आप लोगों के लिए सो डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो अगर आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव में डाल सकते हैं एंड उसके बाद आप लेटर वॉच करके आप देख सकते हैं सो so, मैं आपको बता दू मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वॉट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस

सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द स्टॉक अंडर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स यूजअली द हायर टाइम फ्रेम सजेस्ट द ट्रेंड और इट टेल्स अस अबाउट द ट्रेंड ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक एंड इन लोअर टाइम फ्रेम वी यूजली फाइंड द एंट्रीज ऑफ दैट स्टॉक वेदर वी गो हैव टू गो फॉर अ बाय और वी हैव टू गो फॉर अ सेल सो मल्टीपल टाइम फ्रेम ज़्यादा कुछ नहीं है बस एक तरीके से हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम में एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं हम लोग अगर हायर टाइम फ्रेम पे स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग ट्रेंड के बारे में पता लगा रहे हैं और अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग एंट्री पॉइंट्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं सो so, बिल्कुल ईजी होता है हम लोग इसीलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज़ करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स सबसे पहले समझा दूंगा एंड उसी के बाद हम लोग चार्ट्स पे लाइव एग्जाम्पल्स लेंगे ओके okay, तो चलिए कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को समझा देता हूं ओके okay, सो so यहां पे सबसे पहली चीज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूं दैट इज द ट्रेडिंग स्टाइल ठीक है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए चले ठीक है सो फर्स्ट इज ट्रेडिंग स्टाइल ट्रेडिंग स्टाइल क्या हुआ ट्रेडिंग स्टाइल हुआ इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग ठीक है दो तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर हो तो आप लोगों को, को, तो को, को तो लोग यहां पर क्लियर करता हूं ठीक है अगर आप लोग एक इंटरडे ट्रेडर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या बात करी कि जो हायर ट्रेंड होता है जो हायर टाइम फ्रेम होता है वो पता लगाता है कि ट्रेंड कैसा है और जो लोअर टाइम फ्रेम होता है उस पर हम लोग एंट्रीज लेते हैं ठीक है ओके सो इंट्रोडे के लिए हायर टाइम फ्रेम जो है हायर टाइम फ्रेम जो है दैट इज डेली और आर्ली एंड लोअर टाइम फ्रेम जो है दैट इज 15 मिनट्स ठीक है फॉर अ स्विंग ट्रेडर हायर टाइम फ्रेम जो है दैट इज डेली और वीकली एंड जो लोअर टाइम फ्रेम है दैट इज वन आवर कंसेप्ट समझे आप लोग ट्रेडिंग स्टाइल दो तरीकों के होते हैं इंटरडे और स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग इंट्राडे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोगों को 15 मिनट्स पे एनालाइज करना है 15 मिनट्स पे अगर हम लोगों को एंट्री चाहिए है, तो हम लोग वहां से सीधा डायरेक्ट आर्ली या डेली चार्ट्स को एक बार स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ट्रेंड कैसा है ठीक है उसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो आप लोग अगर आर्ली चार्ट फाइंड कर रहे हो तो आप लोग उसे हायर टाइम फ्रेम यानी कि डेली और वीकली चार्ट पे एक बार ट्रेंड को फाइंड करने की कोशिश करोगे ठीक है तो ये सारी चीजें आप लोग नोट्स बनाइए एंड इसको नोट करते हुए रहिएगा एंड ये आपको इन फ्यूचर डेफिनेटली हेल्प करने वाला है ओके okay? तो चलिए इसे रिमूव करते हैं एंड अब बात करते हैं कि ट्रेंड की जब मैं बात करता हूं जब हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रेंड को पता लगाएंगे तो उसका मोटिव क्या है लोअर टाइम फ्रेम पे सी फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की ठीक है हम लोग स्विंग ट्रेडर है मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडर हूँ तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं ठीक कर है ठीक है ट्रेंड क्या है पॉजिटिव है मतलब ट्रेंड बुलिश है अप ट्रेंड है इतनी बात आप लोग समझ गए तो हम लोगों ने डेली पे स्टडी करी द ट्रेंड इज बुलिश और अपमूव uh, दिखा रहा है और अब हम लोगों को स्विंग ट्रेडर है तो हम लोगों को एंट्री पॉइंट्स चाहिए ऑन टाइम फ्रेम सो जब डेली चार्ट अगर बुलेश है या फिर अप ट्रेंड में है बाय में है तो हम लोगों को आर्ली चार्ट भी बाय सिग्नल को ही फाइंड करना है सेल सिग्नल को फाइंड नहीं करना इसी के लिए हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करते हैं हमें काउंटर ट्रेंड नहीं करना होता हम बेसिकली अगर डेली चार्ट्स बुलिश है तो हम लोग आर्ली पे अपॉर्चुनिटीज फाइंड नहीं करेंगे हम लोग बाय साइड में ही अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे तो इसीलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज होता है अब आर्ली चार्ट पे हम लोग बाय uh, सिग्नल कैसे फाइंड करेंगे तो उसके लिए कुछ uh, तरीके होते हैं वो मैं तरीके आपको बताता हूँ सबसे पहला है प्राइस एक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के बिना आप लोग कोई भी ट्रेड को फाइंड नहीं कर सकते सिर्फ आपको मैं एक जो पॉइंट है वो क्लियर करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है वो सिर्फ आपको बताता है कि आपको कौन से ट्रेंड में ट्रेड करना है ट्रेंड कौन से होते हैं तीन तरीके के होते हैं बुलिश बियरिश और साइडवेस सिर्फ आपको हेल्प इसी के लिए करता है आपको एंट्री फाइंड करने के लिए आपको बाय अ सेल सिग्नल देने के लिए वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज नहीं होता उसके लिए हम लोगों को प्राइस एक्शन ही समझना चाहिए आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट तो मैं आपको बताता हूं अब हम लोगों ने बाय सिग्नल फाइंड करना है ठीक है हम लोगों को बाय फाइंड करना है ना अर्ली टाइम फ्रेम तो हम कैसे फाइंड करेंगे जिस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ वैल्यू ठीक है कौन से एरिया के वैल्यू से हम लोग अपने उस पर्टिकुलर ट्रेड को फाइंड करेंगे सबसे पहला हो गया रिट्रेसमेंट ठीक है जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस तरीके से समझना फर्स्ट पॉइंट इज रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट क्या हुआ मार्केट बुलिश है डेली टाइम फ्रेम अब हम लोग आर्ली चार्ट क्या देख रहे हैं स्टॉक ऊपर गया नीचे आया ये वाला पॉइंट होता है है रिट्रेसमेंट जब एक बुलिश मूवमेंट से वो स्टॉक हल्का सा नीचे आता तो वो एक रिट्रेसमेंट ले रहा होता है ठीक है सो so, अगर ये रिट्रेसमेंट पे आता है और एक रिजेक्शन दिखाता है या फिर एक रिलायबल पैटर्न फॉर्म करता है वी कैन गो फॉर अ बाय ठीक है तो so, रिट्रेसमेंट हो सकता है सेकेंड चीज हो सकती है चार्ट uh, पैटर्न चार्ट पैटर्न्स जनरली मैं रिकमेंड करता हूं जो ज्यादातर बनते हैं जो मैंने देखे हैं चार्ट ज्यादातर बनते हुए दैट इज डबल टॉप्स एंड बॉटम्स ठीक है और रिट्रेसमेंट की जगह मैं आगे लिख देता हूं पुल बैक ठीक है अब पूरी बात ध्यान से समझेगा रिट्रेसमेंट का मतलब हुआ जब हम लोग बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं पुल बैक का मतलब क्या होता है मैं इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूं जैसे स्टॉक नीचे है स्टॉक ऊपर गया तो ये चीज जो ऊपर जा रही है उसे हम पुल बैक कहते हैं तो हम लोग यहां पर शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं ठीक है पुल बैक पे हम लोग शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं एंड हम लोग रिट्रेसमेंट uh, पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया चार्ट पैटर्न ज्यादातर जो मैंने देखे हैं अगर हम लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड करते हैं या फिर ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम अगर ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम बनता है तो यानी कि वहां से जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है अब वहां से अपसाइड आ सकती है तो यानी कि वो बाय साइड के लिए हो गया ठीक है और डबल टॉप या ट्रिपल टॉप क्या होता है कि वहां पर अपसाइड जो है वो लिमिटेड है वहां से अब नीचे आने के चांसेस हायर होते हैं तो आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं एंड जो बेसिकली थर्ड होता है थर्ड इसी के अंदर इंक्लूड होता है ये सारी चीजों का नीट करके ये सारा एक पैकेज है इस पैकेज के अंदर ही हम लोग ट्रेड लेके एक स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं तो आर थर्ड इज 50 200 स्ट्रेटजी बेसिकली 50 एंड 200 स्ट्रेटजी क्या है तो ये एक मूविंग एवरेज है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं 50 डेज का मूविंग एवरेज एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज एंड उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं अब आप लोग बोल रहे होंगे कि जब हम लोग ने ये ट्रेड ले लिया आप पूरी बात अब ध्यान से समझेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को पता लगाया ट्रेंड इज बुलिश हम लोग अर्ली टाइम फ्रेम पे आए अर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को बाय सिग्नल को देखना है ये कंसेप्ट क्लियर आर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एरिया ऑफ वैल्यू एरिया ऑफ वैल्यू क्या हो सकता है एरिया ऑफ वैल्यू हो सकता है या तो फिर रिट्रेसमेंट ऑफ पुल देखेंगे या कोई चार्ट पैटर्न देखेंगे या फिर हम लोग थर्ड चीज और देख सकते हैं दैट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन ठीक है डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर हम लोगों को मिलता है तो उसके बेसिस पे हम लोग एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड करेंगे और ये एरिया ऑफ वैल्यू हमें बताता क्या है ये पॉइंट भी तो समझ रहे आपको एरिया ऑफ वैल्यू हमें बताता है कि हमें किस लेवल पे एंट्री लेनी है एरिया ऑफ वैल्यू का काम ये है टू नो द एंट्री ऑफ अ स्टॉक टू फाइंड द एंट्री ऑफ अ स्टॉक आपने बाय पता लगा लिया कि आपको स्टॉक पे बाय करना है using multiple time frame analysis. आपने area of value के ये भी पता लगा लिया कि हमें entry का लेनी है अब next step जो आता है दैट इज द टारगेट और स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस के लिए आई एम आई यूज ए टी आर एवरेज रेंज का मैं यूज करता हूं एंड टारगेट uh, उसी का वन इज टू फाइव या तो वन इज टू टू का रिस्टू रिवॉर्ड रेशियो होता है मेरा तो वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा इस आगे वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है सारे कंसेप्ट आपके मैं क्लियर करने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ओके सारी चीजें आप लोग समझ गए अब हम लोग इसी स्ट्रेटेजी को दैट इज और फिफ्टी टू हंड्रेड स्ट्रेटेजी को हम लोग सारी चीजों में पुट करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे ओके कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है बहुत सिंपल है एंड आप लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे चलिए एरिया ऑफ वैल्यू और टाइम फ्रेम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके हम ट्रेंड को कैसे पता लगा सकते हैं ठीक है सो so, सबसे पहला एग्जांपल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आप लोगों को एंट्रीज कहां पर फाइंड करनी है आर्ली टाइम फ्रेम पे और अर्ली टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम मैंने आपको कौन सजेस्ट करा दैट इज द डेली टाइम फ्रेम और अ वीकली टाइम फ्रेम तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्टडी करता हूं अब आप देख सकते हैं मैंने ये डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है और ये पर्टिकुलर स्टॉक पे आप क्लियरली देख सकते हैं द ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव इट्स कंटिन्यूसली मेकिंग हायर हाईस एंड हायर लोस ठीक है आपको यहां पर क्लियर दिख रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर रहा है एक बुलिश अप ट्रेंड में है अब अगर आपको यह नहीं पता कि बुलिश ट्रेंड होता क्या है या फिर अपसाइड क्या होती है तो उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं एक लाइन में बता दूंगा मैं आप लोगों को हायर हाइस एंड हायर लोस ठीक है हायर हाइज एंड हायर लोस जब भी बनता है तो वो एक स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर होता है यानी कि आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को और क्लियरली दिखाता हूं दिस इज द हाई दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई स्टॉक नीचे आया दोबारा ऊपर गया और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर गया यानी कि हायर हाई बनाया जब ये नीचे आया तो उसने लो को ब्रेक करा नहीं ना तो लो भी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ यानी कि लो भी तो हायर लो बना तो यानी कि जब हायर लो एंड लोअर हाई बनता है सॉरी हायर लो एंड हायर लो बनता है तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेंड है वो बुलिश होता है बट जब अगर लोअर हाई एंड लोअर लो बनता है इस तरीके का तो हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेंड है वो बियरिश है और डाउन ट्रेंड में है तो आपको कंसेप्ट डेफिनेटली समझ में आ गया होगा ओके okay? सो so यहां पर हम लोगों ने एक चीज देखी कि ट्रेंड बुलिश है जब हम लोगों ने डेली चार्ट्स के अंदर देख लिया कि ट्रेंड बुलिश है अब हम लोगों को आर्ली चार्ट्स के अंदर क्या करना है हम लोगों को आर्ली चार्ट के अंदर एंट्री फाइंड करनी है अब एंट्री किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं थ्रू एरिया ऑफ वैल्यू या तो हम लोग डबल बॉटम फाइंड करें या फिर हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं या फिर और भी मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड तो वो सारी चीजें फाइंड करेंगे एंड उसके बेसिस पे फिर हम लोग एंट्री और टारगेट्स के बारे में बात करेंगे ओके okay? अब हमें इस पर अपनी स्ट्रेटजी को भी पुट करना है वो स्ट्रेटेजी क्या है इस इसपे डेली चार्ज पे हम लोग यूज करेंगे फिफ्टी डेज का मूविंग एवरेज सो मैं यहाँ पर फिफ्टी डेज का मूविंग एवरेज को पुट कर रहा हूँ आप यहां देख सकते हैं जब मैंने 50 डेज के मूविंग एवरेज को पुट करा तो व्हाट आई एम सी इज कि जब इसने ब्रेकआउट दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं जब तक ये 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है दैट इज द दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज बुलिश ठीक है ये पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश है अब आप एक चीज देखिएगा इस लेवल से ब्रेकआउट आया आपको क्लियरली दिख रहा है इस लेवल से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला मैं और इजी वे में आपको दिखा देता हूं ठीक है इस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला क्या एक बार भी इस पर्टिकुलर लेवल पे रिटेस्ट हुआ है अब आपको ये नहीं देखना कि इसी लेवल पे रिटेस्ट होगा आपको देखना है कि मूविंग एवरेज पे क्या रिटेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है यस मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट हो चुका है आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज पर रिटेस्ट हो चुका है अब अगर इसके ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है देर इज अ बाय अपसाइड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ये चीज हम लोगों ने फाइंड करी है हम लोगों को डेली चार्ट ट्रेंड भी फाइंड करना है और थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज भी देखने हैं कि वो एक्चुअल में बता क्या रहा है ठीक है तो हमारा जो वर्क है वो थोड़ा इजी हो जाए जब हम लोग अर्ली टाइम फ्रेम पे स्टडी करने की कोशिश करें ओके okay? तो चलिए अर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज बुलिश तो 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर तो है तो डेफिनेटली स्टॉक बुलिश है ओके अब इसको रिमूव कर देते हैं फिफ्टी डेज के एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज को एंड अब चलते हैं अर्ली अर्ली टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम पे यस yes. जब हम लोगों ने पुट कर दिया तो यहां पर हम लोगों को जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगानी है दैट इज द टू हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज जब हम लोग टू हंड्रेड डेज का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो हम लोगों को देखना है कि जब टू हंड्रेड डेज के मूविंग एवरेज के आसपास होगा तो हम लोगों को बाय सेटअप को जनरेट करना है या फिर अगर फार होगा तो भी हम लोग कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि हम लोगों को एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर क्या फाइंड करना है या तो डबल बॉटम या तो ट्रिपल बॉटम या तो डिमांड एंड सप्लाई ये सारी चीजें या फिर रिट्रेसमेंट बाय बाय के थ्रू हम लोगों को ट्रेड करना है ठीक है अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं सबसे पहली चीज हम लोग तीनों चीजों को पुट करके देखेंगे क्या ये तीनों चीजें इसके अंदर आ रही है नहीं आ रही है फर्स्ट चीज हम लोगों ने क्या स्टडी करी रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट के लिए ये वी यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिस इज आर बॉटम दिस इज आर टॉप ओके जब हम लोग ने बॉटम और टॉप को मिलाया तो हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्ट फिफ्टी परसेंट तक स्टॉक आया है एग्जैक्ट फिफ्टी परसेंट तक ठीक है अपने फिफ्टी परसेंट रिट्रेसमेंट लेवल तक आया और वहां से बाउंस कर रहा है सो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक गुड अपॉर्चुनिटी बैठ रही है कि हम लोग यहाँ पर एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट चीज हम लोगों ने क्या फाइंड करी थी डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम क्या हम लोगों को यहां पर मिल रहा है यस आई थिंक कि मुझे यहां पर डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम भी मिल रहा है अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूं सी यहां पर हम लोगों को एक डबल बॉटम सीनारियो मिला है दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल ठीक है दिस इज अ डबल बॉटम एंड यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉटम का भी सीनारियो क्लियर हो रहा है अब आप देखिएगा 50 परसेंट रिट्रेसमेंट भी एग्जैक्ट इस लेवल पे था डबल बॉटम भी एग्जैक्ट इस लेवल पे था अब हमारी नेक्स्ट चीज क्या है नेक्स्ट चीज हमें फाइंड करनी है दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई जोन जो हमें बताएगा कि अगर ये सप्लाई जोन के ऊपर जाता है या डिमांड जोन में है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट सप्लाई जोन पे तो हम लोग बाय करेंगे नहीं हम लोग या सप्लाई जोन के ऊपर ब्रेकआउट पे बाय करेंगे या फिर अगर डिमांड जोन में होगा तो बाय करेंगे ठीक है तो लेट्स गो चेक करते हैं कि किस तरीके से है ओके okay? So, यहां पर मैं कुछ डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड करूंगा डिमांड और सप्लाई जोन बेसिकली क्या होता है डिमांड होता है सपोर्ट एंड सप्लाई होता है रेजिस्टेंस तो मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है कुछ इस लेवल्स पे ठीक है एंड uh, मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है इस लेवल पे एट दिस पर्टिकुलर लेवल ठीक है सो so, आप लोग देख रहे हैं कि मुझे एक रेंज पता चल गई है एंड इस रेंज पे हम लोग क्या देख रहे हैं आप देखिएगा इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है अब जब हम लोगों ने एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड करा जब हम लोगों ने एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड करा तो हम लोगों को क्या पता चला हम लोगों को पता चला कि एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड करनी है एंट्री पॉइंट हमें जो बता रहा है वो बता रहा है कि अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है रिटेस्ट करता है तो हम लोग बाय करेंगे ठीक है अगर वो रिटेस्ट करता है देन वी गो फॉर अ बाय यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ठीक है और उससे होगा क्या जो 200 हंड्रेड देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका भी ब्रेकआउट आएगा ठीक है अभी क्या कर रहा है उसके ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है उसके ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है उसके ऊपर जा, उस जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ठीक है तो हमारा बाय सेटअप कब जनरेट होगा हमारा बाय सेटअप जब जनरेट होगा जब ये इस एरिया ऑफ वैल्यू के ऊपर जाके ट्रेड करेगा एंड हम लोग तब बेसिस पे ट्रेड लेंगे ठीक है तो लेट्स मूव यहां पर मैं इसको रिमूव कर देता हूं एंड चेक करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करा ओके okay? सी आप लोगों को यहां पर क्लियर दिख रहा होगा ब्रेकआउट आया ठीक है ब्रेकआउट अभी नहीं आया आप देखिएगा एक candle ने ऊपर क्लोज करिए बट ब्रेकआउट यस इट गेव अ ब्रेकआउट ठीक है सी yes. अब आप देखिएगा यहां पर हुआ क्या अगर मैं आप लोगों को क्लियरली समझाता हूं यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया एग्जैक्ट इस लेवल पे ठीक है स्टॉक ऊपर गया अब ऊपर आने के बाद अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है देन वील गो फॉर अ बाय ठीक है हम इसी रिट्रेसमेंट पे भी बाय कर सकते थे अगर आपने यहां पर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो आप लोग ये अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है तो भी आप लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो लेट्स चेक आगे क्या हुआ आप देख सकते हैं कि क्लियरली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये नीचे आया सी सी अब आप देखिएगा किस तरीके से इसने काम करा है जो एरिया ऑफ वैल्यू था ये एक एरिया ऑफ वैल्यू था एग्जैक्ट यहाँ पर रीटेस्ट करा रीटेस्ट करने के बाद इसने एक बुलिश हैमर कैंडल फॉर्म करी एंड उसके बाद ऊपर जाना ट्रेड कर गया सो दिस इज़ आर एंट्री पॉइंट ये हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए ठीक है अब अपना स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं ठीक है सो स्टॉप लॉस के लिए वी यूज एटी आर एवरेज ट्रू रेंज आप ये देख सकते हैं ये लाइन आपको दिख रही होगी ये यूज होती है एवरेज ट्रू रेंज के लिए अब यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूं हम लोगों ने इस कैंडल पे बाय करा यह कैंडल पे बाय करने पे आपको एवरेज ट्रू रेंज का प्राइस दिख रहा होगा दैट इज जो लेवल दिख रहा होगा सिक्स पॉइंट फाइव जीरो का अब आप, मैं आपको और क्लियरली दिखाता हूं ठीक है यहां पर फोकस करना है इस लेवल पे ठीक है जब भी मैं कैंडल पुट करूंगा जिस लेवल पे मुझे बाय करना है ये मेरी कैंडल हुई इस कैंडल पे मुझे बाय करना है इस कैंडल पे हम लोग देख रहे हैं कि 6.50 आ रहा है तो यानी कि मैं जो अप्रोच लेकर मैं चलता हूं वो होता है 6.50 पॉइंट प्लस फाइव ये मेरी अप्रोच होती है ठीक है मैं इसके बेसिस पे काम करता हूं यानी कि जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा इलेवन पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा आप देख रहे हैं सिक्स पॉइंट फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव में खुदाट करता हूं ठीक है एक अच्छी एक्यूरेसी के लिए तो मेरा इलेवन पॉइंट फाइव रुपीज का स्टॉप लॉस होगा तो चलिए स्टॉप लॉस को पुट करते हैं सबसे पहले स्टॉप लॉस को पुट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं दिस लेवल ठीक है हम लोग स्टॉप यहां पर बाय पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं तो आर स्टॉप लॉस शुड बी इलेवन रुपीज पॉइंट फिफ्टी पैसा ठीक है तो हमारा इलेवन रुपीज पॉइंट सिक्सटी पैसा का स्टॉप लॉस है ओके okay? और आ टारगेट शुड बी प्रीवियस हाई और वन इंस टू फाइव मिनिमम वन इंस टू फाइव का हमारा टारगेट होना चाहिए ठीक है तो हमारा ये टारगेट आपको खुद फाइंड करने हैं थ्रू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और, और प्रीवियस हाई स्विंग हाई के थ्रू आप टारगेट फाइंड कर सकते हैं सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टॉप लॉस पुट करने में तो स्टॉप लॉस के लिए डेफिनेटली मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है तो लेट्स मूव आगे देखते हैं आगे हुआ क्या मैं इसे थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं आप लोगों के लिए इस लेवल पे हम लोगों ने एंट्री करी है एंड अब देखते हैं कि किस तरीके से मूव करेगा ओके okay? सो so, हम लोग यहां पर क्लियरली देख रहे हैं कि अब ये अपसाइड दिखा रहा है एंड इट गेव अ ब्रेकआउट सी इसने हमारे टारगेट्स को रीच कर दिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने टू वन इज टू टू दे दिया था तो आपको अब कंसेप्ट क्लियर हुआ डेली चार्ट्स पे हम लोगों ने फाइंड करा देर इज अ ट्रेंड ठीक है उसमें एक चीज और यूज करी हम लोगों ने फिफ्टी डेज का मूविंग एवरेज उसमें क्या पता चला कि बहुत टाइम पहले एक ब्रेकआउट आया था उस ब्रेकआउट का डे के मूविंग एवरेज ने अभी तक नहीं करा था था और आज कर रहा तो डेफिनेटली उसका भी ब्रेकआउट आया होगा उसका भी ब्रेकआउट आया होगा डेफिनेटली जब ये शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है तो इसका भी ब्रेकआउट आया होगा जब उसका ब्रेकआउट आया यहां पर हम लोगों ने देखा कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रीटेस्ट करके और ऊपर जा रहा है एंड यहां पर एरिया ऑफ वैल्यू का ब्रेकआउट दिया रिट्रेसमेंट करा एंड उसके बाद हम लोग ने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करी और हमारे जो टारगेट्स थे वो अचीव्ड हो गए अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ अब गाइस इस पर हम लोग फ्यूचर पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं नॉट फ्यूचर इन ऑप्शंस मतलब इन फ्यूचर अगर हम लोग ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं वो कैसे ठीक है मैं ये अभी आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं बताने वाला बिकॉज इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि हम लोगों को मूविंग एवरेज के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना होता है ठीक है अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर हमें बताइए कि एवरेज टू रेंज क्या होता है मूविंग एवरेज क्या होती है तो गाइस आप लोगों को ये चीजें समझने की जरूरत नहीं है आपको इन डेप्ट जाने की जरूरत नहीं है अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको इसको जरूरत नहीं है कि मूविंग एवरेज कैसे बनी इसका हिस्ट्री क्या है ए क्या है उसका हिस्ट्री है क्या है वो बनी कैसे आपको करना क्या है उसका यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो आपको बता दिया गया ठीक है एंड आप तभी ट्रेड कर सकते हो ज्यादा कंफ्यूजन लेकर मत चला करिए जिसकी आपको नीड ना हो ठीक है अब यहाँ पे हम लोगों ने चलिए कोई बात नहीं ट्रेड ले लिया हम लोगों ने अब ट्रेड ले लिया अब हम लोगों को दोबारा रिट्रेसमेंट चाहिए अगर ये दोबारा नीचे आता है हम लोग और बाइंग के लिए मौके ढूंढेंगे बिकॉज ऑन डेली टाइम फ्रेम द स्टॉक इज बुलिश ठीक है चलिए आगे आते हैं अगर ये रिट्रेसमेंट देता है डेफिनेटली वी गो फॉर अ बाय चलिए अभी तक अच्छा सा रिट्रेसमेंट नहीं दिया है सी आप यहां देखिएगा कितना बढ़िया इसने विक रिजेक्शन दिया है आप देख सकते हैं इतना बढ़िया विक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है एंड अगर मैं जोन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं सी आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर इस जोन से एक विक का रिजेक्शन देखने को मिला है दिस इज द परफेक्ट एंट्री पॉइंट अगली कैंडल पे आप एंट्री पॉइंट बनाइए ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ सी वट हैपेड स्टार्टेड टू मूव बैकअप अगेन आप देख रहे हैं हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था मल्टीपल वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं फर्स्ट टाइम रीटेस्ट पे गो फॉर अ बाय सेकंड टाइम रीटेस्ट पे गो फॉर अ बाय थर्ड या फोर्थ टाइम पे आप लोग थोड़ी सी एनालिसिस और इंक्रीज करिए एंड उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करिए बायस एल की फर्स्ट टाइम रिटेस्ट सेकेंड टाइम रीटेस्ट गो फॉर अ बाय टारगेट्स हमारे अचीव होगा ठीक है चलिए स्टॉप लॉस पुट करके देखिए अगर इस पर हम करते इस वाली कैंडल पे अगर हम लोगों को स्टॉप लॉस पुट करना था स्टॉप लॉस इज आप एवरेज श्रू रेंज पे दिखिएगा एटीआर क्या दिखा रहा है टेन रुपीज सिक्सटी पैसा तो यानी कि मैं फिफ्टीन रुपीज सिक्सटी पैसा का मेरा स्टॉप लॉस होगा मी शो यू दिस वुड बी माई स्टॉप लॉस ठीक है एंड माई टारगेट इज़ वन इज टू फाइव तो ऑलवेज दिखा रहा है बट मैं अपने प्रीवियस हाई तक ले जाता हूँ दैट इज़ टू पॉइंट टू फाइव एंड हमारा पूरा का पूरा टारगेट अचीवड हुआ अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया प्लीज़ लेट मी नोना कमेंट सेक्शन आप वीडियो को पॉज करके लाइक like भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो बहुत एजुकेशनल वीडियो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सो लेट सी नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडर अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को किस तरीके से काम करना है तो इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कौन से टाइम फ्रेम की आप लोगों को एनालिसिस की जरूरत होती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप लोग एंट्री फाइंड करते हैं एंड आप लोग उससे हायर टाइम फ्रेम पे एरिया ऑफ वैल्यू या फिर आप लोग ट्रेंड को पता लगाते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप स्टॉक को देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अभी अर्ली चार्ट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है एंड अर्ली चार्ट के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखें तो मुझे ट्रेंड तो बुलिश लग रहा है ठीक है अपसाइड रिप्लेसमेंट एन अपसाइड एन रिट्रेसमेंट एन अपन एंड आया है तो यहां पर मुझे अपॉर्चुनिटीज के बाद कहा पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकता हूं ठीक है बट अगर मैं एक चीज और देखूं तो मुझे यहां पर एक चीज दिख रही है कि इट्स टाइप ऑफ क्रिएटिंग अ डबल बॉटम आप देख रहे हैं इट्स क्रिएटिंग अ डबल बॉटम हेयर सी

चलिए आगे देखते हैं कि क्या हुआ एक्चुअल करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यहां पर आप, आप देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे जा रहा है एंड सी व्हाट इट डेड आपने यहां पर ट्रिपल बॉटम क्रिएट करा सॉरी ट्रिपल बॉटम क्रिएट होने के बाद वॉट वी आर सींग इस जोन के ऊपर चला गया वो क्या करा वो इस जोन के ऊपर चला गया है एंड दिस इज आर एंट्री पॉइंट ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है अब इस एंट्री पॉइंट पे हम लोग एक बाय सेटअप को जनरेट करेंगे ठीक है हमें पता चल गया जोन के ऊपर आ गया तो यानी कि एक बाय सेटअप जनरेट हो रहा है हमें कंफर्मेशन मिल गया एक बाय सेटअप जनरेट हो रहा है अब नाउ वी हैव हैव टू टू गो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड वी सी कि यहां पर एंट्री पॉइंट हमें कहां मिल सकता है ठीक है एंड उसी के बेसिस पे फिर हम लोग अपने स्टॉप स्टॉपलॉजिस को भी पुट करेंगे लेट्स मूव आर टू आर फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम एंड चेक कि किस तरीके से वर्क करेगा ठीक है सो so, यहां पर हम लोगों ने टाइम फ्रेम का यूज कर दिया है एंड लेट्स चेक आपको मैं दिखाता हूं सी यहां पर हम देखा कि ब्रेकआउट आ गया एंड अपने जोन के ऊपर ही क्लोजिंग कर गया अब हम लोगों को एंट्री फाइंड करनी है एंट्री फाइंड करने के लिए व्हाट आई एम सींग इज कि अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस और दिख रहा है ठीक है आप समझ रहे हैं ये वाली चीज समझे आप यहां पर मुझे एक चीज और दिख रही है that is, कि breakout तो दे दिया भाई ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था जब सपोर्ट ब्रेक हुआ दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ठीक है तो जब ये कैंडल के साथ एक ब्रेक होगा गो फॉर अ बाय आप इसी कैंडल पे ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं अगर रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट करता है तो भी बाय कर सकते हैं

कम क्वांटिटी के साथ ले रखा है बट आपने एक्चुअल वो ट्रेड ले रखा होगा, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करता है ये भी मैं जनरली फॉलो करता हूं तो ये आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है? कोई तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ एक्चुअल में ठीक so यहां पर इसने ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल दि, की क्लोजिंग पे वी है बाय एंड अगर मैं यहां पर अपना लॉस पुट करता हूं तो व्हाट शुड बी माई स्टॉप लॉस मुझे एटीआर जो दिखा रहा है आप देख सकते हैं स्कैंडल पे एटीआर दिखाई रुपीज तो मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए एट प्लस फाइव थर्टीन रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए सो लेट्स पुट थर्टीन लॉस एट दिस प्राइस सी ये मेरा थर्टीन रुपीज का स्टॉप लॉस हो गया मेरा वन का टारगेट वन इन इन आप कुछ भी ले सकते हैं ठीक है आई थिंक जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो इसी लेवल पे आ रहा है How? आप देख सकते हैं ये वाली लाइन है सो so, ये सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड ए ब्रेक डाउन सो यह एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है तो आई थिंक मैं अपना टारगेट इसे यहां पर लेकर चल सकता हूं ठीक है थेके? तो लेट्स गो अब देखते हैं किस तरीके से दोबारा वर्क करा देखिए रीटेस्ट भी दे चुका है आपने यहां आप पर 50 क्वांटिटीज ऐड करी एंड यहां पर 50 क्वांटिटीज और ऐड करी बिकॉज इट गेव अ रीटेस्ट अगेन क्या हुआ सी इट अचीव्ड आर टारगेट इसने हमारे टारगेट्स को अचीव कर लिया नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट किस तरीके से वर्क कर रहा है ठीक है यहां पर डेफिनेटली आप लोगों का कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा ठीक है कि अगर आप लोग इंटरेडी ट्रेडर है तो आप लोग आर्ली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली दोनों में मैं आपको बोलूंगा तो आप दोनों में चेक कर सकते हो ठीक है आपने डेली में भी चेक कर लिया एंड आप लोगों ने आर्ली में भी चेक कर लिया एंड उसके बेसिस पे फिर आप लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हो ठीक है एंड अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे देखो एंड उसके बाद आप लोग अर्ली टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करके एंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हो so, सो बहुत इजी कंसेप्ट था बहुत इजी वे में मैंने आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ाया होगा एंड यहाँ पर आपके जो भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा ये जो स्ट्रेटजी है ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो स्ट्रेटजी है वो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है वो होती है निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे सो so, अगर आप लोग यही टाइम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसी के बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ही फाइंड करो एंड उसी के बेसिस पे आप लोग अपना ट्रेड लेकर चलो ठीक है तो यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो उस वीडियो को डेफिनेटली लाइक like करेगा मैंने आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए होंगे बट आई होप अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे पूछ सकते हैं विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर हम आपके सारे के सारे रिप्लाई कर देंगे सो so, मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के एंड में सो so, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में येस थोड़ी सी लंबी हो गई थी बट मैंने यहाँ पर सारा कुछ कवर करवा दिया जो आप लोगों को नीट थी जो आप लोगों तो को पता होगा एरिया ऑफ वैल्यू एयर एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर मल्टीपल पैटर्न थे वो आप लोगों तो को खुद स्टडी करने पड़ेंगे गाइस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सिर्फ आपको हेल्प कर सकती है ट्रेंड को फाइंड करने के लिए एक स्टॉक को पता लगाने के लिए कि हम उस उसपे बाय सेल कर सकते हैं बट आपको राइट right एंट्री का बाय करना है क्या टारगेट है क्या स्टॉपलस है वो आपको प्राइस एक्शन ही बता सकता तो उसी के लिए हम लोग आगे भी वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे थोड़े थोड़े टाइम पे हम लोग लाते रहेंगे बट इसमें आप लोगों ने अगर कुछ समझा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा सो so, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक, तक के लिए बाय साइनिंग